नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल हाउस अरेस्टिंग स्कैम हेतु बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले ब्रोकर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय सरगना सहित चार आरोपी हुए गिरफ्तार। धनतेरस से पांच दिनों तक स्वर्णमय मां अन्नपूर्णा के होंगे अलौकिक दर्शन। आदिशक्ति माता विशालाक्षी देवी की वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव की सजेगी झांकी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएस सेंट्रल कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। और अब खबरें विस्तार से। डिजिटल हाउस अरेस्टिंग स्कैम हेतु बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले ब्रोकर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय सरगना सहित चार अपराधी गिरफ्तार हुए। डिजिटल हाउस अरेस्टिंग स्कैम इन्वेस्टमेंट स्कैम हेतु बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले ब्रोकर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय सरगना सहित चार शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, बैंक खाते, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड व नकदी आदि बरामद हुए। 23 अक्टूबर 2024 को विशाल सिंह द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी पर लिखित सूचना दिया गया कि साइबर अपराधियों द्वारा उनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट का फर्जी झांसा देकर उनका विभिन्न बैंकों में खाता खुलवा लिया गया, जिसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और वो बैंक खाते पुलिस द्वारा फ्रीज भी करा दिया गया है। उक्त प्रकरण के दृष्टिगत एक टीम का गठन किया गया, जिसको उक्त घटना का सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में तमाम विवेचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट व जमीनी सर्विलांस आदि का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाता ब्रोकर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय सरगना सहित वाराणसी से चार शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पासबुक तथा नकदी बरामद की गई है। बनारस को एक बड़ी सफलता, वाराणसी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें चार अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, पाटेलिया, दीपक, सत्यम, नितिन। सत्यम और नितिन यहीं के लोकल रहने वाले हैं और बाकी दो ये गुजरात क्षेत्र से यहाँ पे आए थे। ये लोग साइबर क्राइम करते थे और यहाँ पे जो लोकल हैं उनके द्वारा यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जाके अकाउंट खुलवाया जाता था और उन अकाउंटों में साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाया जाता था। इसमें से एक व्यक्ति जो है, इनका जो मास्टरमाइंड है राकेश करके, वो दुबई में है और जो पाटेलिया है दुबई भी गया है और वहाँ पे जाके इसने विड्रॉल भी किए हैं। लगभग जो अमाउंट है वो 1 करोड़ के आसपास है। अभी तक की पूछताछ में जो पता चला है वो लगभग 125 के आसपास अकाउंट जो इन लोगों ने ओपन कराए हैं यहाँ पे, जिसमें से कई अकाउंट अभी एक्टिव है और कई इन्होंने जो पैसे निकाल के उसको बंद भी करा दिया है। इन लोगों के पास से हमारे को 7 मोबाइल और अलग अलग बैंकों के पासबुक, ATMs और जो सिम मिले हैं, जिससे ये लोग इसको यूज़ करके उसको पैसा जो साइबर फ्रॉड का, बाइनेंस ऐप का, जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डील होता है वो मंगाते थे और फिर उसको निकाल लेते थे। जो टीम जो साइबर थाने जो के द्वारा जो इस पूरी जो इसको वर्कआउट किया है उसको इनाम के रूप में 20,000 रुपये भी दिया जा रहा है। इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये फर्जी अकाउंट, म्यूल अकाउंट जिसको बोला जाता है, वो खुलवा लेते थे लोगों का और उनसे पूरी डिटेल अपने पास ले लेते थे। और जो साइबर फ्रॉड का, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या जो अलग अलग टाइप के आजकल फ्रॉड जो चल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और जो डिजिटल अरेस्ट है, उसका पैसा ये लोग मंगाते थे और उसको फिर ये लोग निकाल लेते थे बैंक से। आपराधिक इतिहास में जो दो लोकल हैं, सत्यम और नितिन, अभी तक तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला। ये नई उम्र के ही लड़के हैं, पहली बारी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जो पाटेलिया है, इसके ऊपर एक मुकदमा अभी हमें पता चला है कि गुजरात में लिखा गया है और हाँ, एक मुकदमा लिखा गया है नए एक्ट का और वो हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जी बिल्कुल, चूंकि ये गैंग बना के काम कर रहे थे, लोगों का जो हार्ड एंड मनी है उसको बिल्कुल बहुत ही उससे चालाकी से ये लोग उसको अपने साइबर फ्रॉड करके अपने अकाउंट में मंगा लेते थे, तो इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे जी। धनतेरस से पांच दिनों तक स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के अलौकिक दर्शन होंगे, दरबार में भक्तों को मां का खजाना मिलेगा। धनतेरस के दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन और भक्तों को खजाने के रूप में सिक्कों का वितरण किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। मुहूर्त पूजन मंगल बेला में सुबह 3 बजे से शुरू होगा।
5:45 तक सविधि पूजन होगा। आम भक्तों के लिए 5 बजे पट खुलेगा। आगामी 29 नवंबर धनतेरस के दिन निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी विग्रह मां अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, लक्ष्मी जी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बांस फाटक स्थित काशी अन्नपूर्णा अन्य क्षेत्र के सभागार में प्रेसवार्ता में ये जानकारी दी। महंत जी ने बताया कि धनतेरस पर इस बार बहुत ही शुभ योग निर्मित हो रहा है। देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भोर में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष में सिर्फ 4 दिन भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता था, लेकिन यह दूसरे वर्ष भी 5 दिन स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव के दिन लड्डुओं की झांकी सजेगी। वहीं रात्रि 11:30 बजे माता की महाआरती की जाएगी। ऐसा है कि काशी काफी प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, तो काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है जो कि महापर्व आने वाला है और जिसमें धनतेरस दिवाली अन्नकूट पड़ेगा। 5 दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, तो 29 तारीख के सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उस समय माता अन्नपूर्णा की पहले पूजा होगी, फिर भूमि जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, बाबा विश्वनाथ की पूजा होगी। पूजा अर्चना होने के पश्चात खजाने की पूजा होगी। खजाने की पूजा हो जाने के बाद में 5 बजे लगभग भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे, जो अनवरत 11 बजे तक खोले रहेंगे। उस समय बांस फाटक से पब्लिक आएगी और 4 नंबर गेट की तरफ से पब्लिक के लिए लाइन लगाई गई है। जो बांस फाटक आके अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए दर्शन करते हुए पहले लोग लाभा प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद खजाना प्राप्त करेंगे, फिर माता अन्नपूर्णा के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात कालका गली और सिंह द्वार से होते हुए पब्लिक को बाहर निकलना है। पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और बांस फाटक से गुरोलिया तक बैरिकेडिंग है और बांस फाटक से लेके 4 नंबर गेट तक बैरिकेडिंग लगी, उसी लाइन से आना है। और पब्लिक जो भी आएगी वहां से प्रसाद लेते हुए, निशुल्क प्रसाद है, उसमें खजाना मिलेगा, लाभा मिलेगा और प्रसाद लेते हुए लोग आगे निकल जाएंगे। नया कोई नियम नहीं है, पुराने पिछली भांति ही की तरह ये दर्शन होगा और उसी प्रकार से प्रसाद मिलेगा, लोग प्रसाद आएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। ऐसा है कि बाबा विश्वनाथ ने भी प्राचीन काल में माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है, वही परंपरा को हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। यहाँ से जो खजाना प्राप्त करते हैं माता अन्नपूर्णा का चढ़ा हुआ, लोग ले जाके रखते हैं, तो निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। कोई समस्या होती है, निश्चित माता अन्नपूर्णा की कृपा से उन समस्याओं का हल होता है, तो उसका महत्व है। कहीं आप अपने घर में रख लेंगे, निश्चित कि आपके अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। कहीं आप भूखे हैं और आपके सामने कोई समस्या है, तो माता अन्नपूर्णा किसी दूत के रूप में आती है और निश्चित कि आपकी समस्या का कल्याण करती है। इसीलिए लोग आते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ से खजाना लेके जाते हैं और उस खजाना को अपने यहाँ रखते हैं, तो उनके यहाँ बरकत होती है। कोई विशेष अतिथि वगैरह यहाँ से इस बार कोई बाहर गेस्ट? नहीं, ऐसे कोई गेस्ट आने का नहीं है। जो माता के भक्त हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वो लोग आएंगे और उनके लिए दर्शन पूजा कराया जाएगा और उनको खजाने दिया जाएगा। आदिशक्ति माता विशालाक्षी देवी की वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव की झांकी सजाई जाएगी। माता आदिशक्ति विशालाक्षी देवी का वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव आगामी 2 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शनिवार के दिन होना सुनिश्चित हुआ है। माता के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे पट खोल दिया जाएगा। मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे के द्वारा मां का पंचामृत अभिषेक व श्रृंगार कर माता को विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई और अन्न का नैवेद्य लगाया जाएगा। माता विशालाक्षी के दर्शन की झांकी नाना प्रकार के लड्डुओं से सजाई जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे व कन्हैया दुबे ने संयुक्त रूप से दी। माता की शयन आरती रात्रि 11:30 बजे होगी। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। आगामी 2 तारीख को माता जी का लड्डू अलंकार अन्नकूट का श्रृंगार है, तो क्या खास होगा? खास ये होगा कि माता को पूरा चांदी का वस्त्र पहनाया जाएगा और 150 करीब किलो लड्डू रहेंगे, बाकी और प्रसाद में मीठा रहेंगे, चावल दाल पूरी का भोग भी रहेगा। तो इस दरबार में आने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है माता की? फल की प्राप्ति तो इतनी होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
बहुत ही फल प्राप्त होता है माता का दर्शन करने से, क्योंकि साक्षात शक्ति पीठ है, शक्ति है ये। ये विशालाक्षी देवी का मंदिर है, यहाँ माता सती का कर्ण कुंडल गिरा हुआ है। बहुत दूर दूर से आते हैं, मद्रास से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, दिल्ली से भी, गाजीपुर से भी, पटना से, मतलब हर शहरों से आते रहते हैं। 5 बजे मंदिर जो है तैयार करके खुलेगा आरती होके, फिर 12 बजे एक आरती होगी, फिर 5 बजे एक आरती होगी, फिर रात को 11:30 बजे आरती होके पट बंद हो जाएगा। क्या है, कब और क्या करने जा रहे हैं? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता का जो है लड्डू अलंकार और अन्नकूट का उत्सव है। ये 2 नवंबर को प्रतिपदा तिथि शनिवार को होगा। कितने बजे तक ये चलेगा कार्यक्रम? ये सुबह प्रातः काल 5 बजे यहाँ के महंत राधेश्याम दुबे जी द्वारा माता का पंचामृत अभिषेक करने के बाद पट खोल दिया जाएगा और उस समय फिर माता का दर्शन चालू हो जाएगा। क्या खास होगा इस बार? इस बार खास ये है कि माता का पूरा चांदी से वस्त्रों से अलंकार किया जाएगा और लड्डू से पूरा अलंकार किया जाएगा, अन्न का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि अन्नकूट नाम है, ये बहुत जरूरी है, अन्न का भोग लगेगा जिसमें दाल चावल, माता को दाल चावल बहुत प्रिय है, ये दुर्गा सप्ता सती में भी लिखा हुआ है, दाल चावल और आपका दही और खीर, ये सब का भोग लगेगा जिसमें लड्डू रहेगा, नमकीन रहेगा, मीठा रहेगा, पान रहेगा, ये सारे प्रकार के चीजों का माता के यहाँ दरबार में एक लगा के और उस पे भोग लगाया जाएगा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह माता शक्तिपीठ हमारे बनारस में आई हैं और साक्षात प्रकट भई हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और यहां माता का दर्शन कर अपने जीवन को सफल व सुखमय बनावें। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज में वर्ष 2024-25 के अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉ कैलाश चंद्र शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया तथा विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी, कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव, सुधाकर आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा भावपूर्ण गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात विभिन्न कक्षाओं में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधन ने अंक पत्र, प्रशस्ति पत्र व मेमेंटो और मेडल देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। शिवांशिका सिंह ने 99.91% अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ छात्रा का रिकॉर्ड बनाया व आयुष कुमार रावत ने एसबीएसएस इंटर कॉलेज में 98.57% अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में घोषित हुए। समस्त कार्यक्रम का संचालन अर्पिता अग्रहरि ने किया।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के चुर्क शाखा में अंतर सदनीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के चुर्क शाखा में दो दिवसीय अंतर सदनीय खेल महोत्सव का समापन गहमा गहमी के बीच हुआ। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप रमन हाउस को मिला, जबकि उपविजेता का खिताब दयानंद हाउस ने जीता। मात्र कुछ अंक के अंतर से मात खाकर टैगोर हाउस तीसरे स्थान पर रहा। विवेकानंद हाउस को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। विद्यालय के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के आशीर्वचन व शुभकामना से खेल महोत्सव का समापन हुआ। मैदान से विदा होने के समय समूह के चारों सदनों के 115 विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मैत्री की भावना के साथ मुक्त कंठ से सराहना की। इन बच्चों में हर्ष, उमंग और उत्साह का विरल प्रभाव देखा गया। अंतिम दिन वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि प्रतियोगिताओं में सभी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने शील्ड ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित कर जीवन के पथ पर कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित रहकर खेलों को खेल भावना से खेलते रहने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य डॉ एसके चौबे ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में इस रोमांचकारी खेल के लिए प्रतियोगियों को प्रशंसा की, उन्हें अनुशासित होकर खेल खेलने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम के आयोजन में आरके शर्मा, मनोज राय, चंचला मिश्रा, अंकुश गुप्ता, जावेद अली, सुप्रिया, आलोक तिवारी, गीता अग्रवाल, अंजना पांडे आदि शिक्षकों की भूमिका सराहनीय रही। फिर से मैच को, और आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम का ध्यान में रखते हुए गेम को खेलिए। पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। अभी तक पहला राउंड फाइनल को फिनिश किया, बहुत सुंदर गेम, और थर्ड राउंड का भी जीत चुका है दोनों टीम। हमारे दोनों टीमें आ गए ग्राउंड में। पहला बास्केट लक्ष्मी के द्वारा देखने को मिला, बड़ा सुंदर दीपावली का यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। आइए हम सभी मिलकर इस पर्व को समर्पण, सेवा और सद्भावना के साथ मनाएं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों और समस्त काशीवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बनारस कोचिंग डिपो यार्ड में फुल स्केल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ। वाराणसी मंडल की मंडलीय टीम एवं संरक्षा विभाग द्वारा एनडीआरएफ के साथ बनारस कोचिंग डिपो यार्ड में
फुल स्केल मॉक ड्रिल का संयुक्त अभ्यास किया गया। इस फुल स्केल मॉक ड्रिल में मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा रोशन लाल यादव, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी बलेंद्र पाल समेत एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन डिप्टी कमांडेंट राम भवन सिंह एवं संरक्षा विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य में अपना अहम योगदान दिया। मॉक ड्रिल में नियंत्रण कक्ष से 11:27 पर सूचना मिली कि गाड़ी संख्या अप एमडीबी स्पेशल का 5वां कोच बनारस वाराणसी जंक्शन रेलखंड के मध्य ओएचई के पोल संख्या SL4 पर कोचिंग डिपो के वार्षिक पिट पर 4 चक्के से डीरेल हो गई तथा स्लीपर कोच के S5 में आग लग गई है, जिसमें 9 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्रसारित की गई। घटना की सूचना मिलते ही एआरटी एआरएमई तथा संबंधित अधिकारी एवं पर्यवेक्षक घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन, लोकल पुलिस भी घटनास्थल पर आए। भारतीय रेल के दुर्घटना मैनुअल के गाइडलाइंस के अनुसार सभी ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया तथा ये मॉक ड्रिल पूर्ण रूप से सफल रहा। सर आज कैसे ये जिला क्या है? आनी बताते हैं, लगभग 11:30 हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारी एक पैसेंजर ट्रेन का एक बोगी गिर गया है, उसमें कुछ यात्री चोटिल हुए हैं और उसमें कोच में आग भी लगी है। तो इसको आपदा मानते हुए हमने तुरंत जिला प्रशासन में जो पुलिस अधिकारी हैं, संबंधित CMO हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को और NDRF को विशेषतर, क्योंकि इसको हमने आपदा माना, आग लग गई है, यात्री भी चोटिल हुए हैं और तो हमने आपदा मानते हुए NDRF को भी सूचित किया। तो सभी लोग ने समय पर ही रिएक्ट करते हुए, हमने फायर ब्रिगेड की भी मांग करी, एम्बुलेंस की भी मांग करी जिला प्रशासन से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तुरंत समय विदिन जो भी एक निर्धारित समय होता है उसके अंदर फायर ब्रिगेड उपलब्ध हो गई, जिला प्रशासन के उचित स्तर के अधिकारी यहाँ पर आ गए देख बचाव कार्य को देखभाल करने के लिए, फायर ब्रिगेड भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, साथ ही रेलवे का भी अपना एक आपदा प्रबंधन का पूरा सिस्टम होता है। जैसे एक एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, जब भी किसी प्रकार का ट्रैक्स पे एक्सीडेंट होता है वो, और इसी तरह से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल टीम भी होती है हमारी, वो हमेशा ही तत्पर रहती है। उसको छोटे से कम समय में इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर साइट पर पहुँच के अपना योगदान देना होता है। तो जो भी उनका निर्धारित समय था उसके अंदर वो साइट पे आ गए। आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोच की जो हमने कोच को चुना है उसमें ऊपर से NDRF की टीम ने उसमें ऊपर से जगह बनाई है और NDRF के जो सदस्य हैं, जो ट्रेंड हैं इस कार्य के लिए, वो उसमें अंदर उतर गए, अंदर जो चोटिल यात्री थे उनको स्ट्रेचर से बाहर लाए और संबंधित विभागों ने, जैसे यहाँ पर मेडिकल का आप देख रहे होंगे सामने कैंप लगाया, उनको वहाँ ले जाके एम्बुलेंस के थ्रू जिनको बड़े अस्पताल में भेजना वहाँ भेजा गया, जिनको छोटा उपचार चाहिए था वो यहाँ यहीं पे दिया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी सूचना का प्रबंधन है,
और यात्रियों को भी आगाह करना, जो यात्री बाकी ट्रेन कोचेज में हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, कि आप साइड से दूर रहें, या कुछ गाड़ियां हमारी इस आपदा की वजह से प्रभावित हुई हैं जिनको हम कहीं आगे नहीं भेज पा रहे हैं या पिछले स्टेशनों पर ही रोक रहे हैं, इस संबंध में भी जो वाणिज्य विभाग है यात्री सुविधा के लिए अपने अनाउंसमेंट कर रहा है। इस तरह की मार्केटिंग से कितना ज़्यादा नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे जो हमारी जो एक प्रकार की ड्रिल है, हमें समय समय पर NDRF भी अपने सदस्यों को ट्रेनिंग देती है, हम भी रेलवे भी अपने जो हमारा मेडिकल विंग है, जो हमारा कोच का विंग है, इंजीनियरिंग का विंग है, सबको हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको जो उपकरण दिए गए हैं उनको समय समय पर जांच करते रहते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तभी है जब वक्त पे हम उस काम को कर सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग के अलावा एक ड्रिल भी आवश्यक है कि अगर ऐसा सचमुच में हो जाए एक कदबे तो हम कितने कम समय में अपना योगदान उसको दे सकते हैं। तो जो अभी तक का मैंने यहाँ पे देखा है, सभी संबंधित पक्षों ने एकदम समय से योगदान दिया है और उसको समय से ही अपने सभी जिसको जो एक्टिविटी निर्धारित है, जो कार्यक्रम क्लब पहले से बताया गया है, वो उसी क्रम में उसको कर भी रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मेरा सभी अपने सम्मानित यात्रियों से सबसे पहले तो उनको आगामी दीपावली और छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए बहुत सारी स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं, उसका वो लाभ लें साथ में। लेकिन कुछ सहयोग उनसे रेलवे को चाहिए, जैसे कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके ना चलें। ये दिवाली का समय है, अक्सर कभी कभी अनजानवश या अज्ञानतावश लोग पटाखे वगैरह लेके चलते हैं या कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके चलते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसा ना करें। और इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास श्वान दल हैं RPF के पास, जो विस्फोटक को सूंघ रखते हैं या इस तरह की चीज़ों को सूंघते हैं, उनको भी हमने लगाया है। स्टेशनों पर प्रवेश के समय में बैगेज स्कैनर मशीन जैसे एयरपोर्ट पे होती है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यात्रियों से मेरा यही अनुरोध होगा कि रेलवे का सहयोग करें। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल हाउस अरेस्टिंग स्कैम हेतु बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले ब्रोकर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय सरगना सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। धनतेरस से 5 दिनों तक स्वर्णमय मां अन्नपूर्णा के होंगे अलौकिक दर्शन। आदिशक्ति माता विशालाक्षी देवी की वार्षिक अलंकार अन्नकूट महोत्सव की सजेगी झांकी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBS सेंट्रल कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।